कि सिराजम मुनीरा कहे जाने वाले, जी जी जी, कि सिराजम मुनीरा कहे जाने वाले, शमसु दुहा नूर फैलाने वाले, है कौनों मकामे तेरे ही उजाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तेरा तू ही दोनों आलम का दूल्हा है वल्ला, तेरा जिक्र मेरा वजीफा है वल्ला, ये हम सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत अच्छा कलाम और बहुत अच्छे अशआर भाई शाकिर रजा साहब से आपने समाप्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े लोग हैं, कम वक्त में जो है अपना काम करके निपट लिए, इसलिए कि जो बड़े होते हैं वो इनको मालूम होता है कि कब कहाँ किसका पर कतरना है, परिंदा जानता है कौन सी छत पर उतरना है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सामने आप हजरात, लेकिन मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि वहाँ पर जो है औरतें बैठेंगी उनके लिए इंतजाम किया गया है, आप वहाँ खड़े ना रहें बराए करम, अगर आप वहाँ से उतर कर बाउंड्री से, इसलिए कि बाउंड्री के पार जो होता है वो छक्का होता है, समझ रहे हैं, तो आप हजरात बाउंड्री के इस पार आइए, है कि नहीं। अच्छे लोग हैं आप हजरात, बार बार कहना मुनासिब नहीं है, मैं उठा पटक ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त बहुत ही कम है, काम ज्यादा है, मेहमान शायद का इस्तकबाल करना है, नाम आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्हीं के लिए ये मैं माहौल बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जब जब वो आएंगे तो एक अलग कैफियत होगी, लोग अलग होंगे, पढ़ने वाला अलग होगा, सुनने वाले का रंग बदल जाएगा, बिल्कुल आप तैयार रहिए और दोनों हाथ को उठाकर पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, थोड़ी सी और आवाज लगाइए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। देखिए ये हमारे इंजन है, अगर ये बोलेंगे तो आप बोलिएगा, अगर ये सो जाएंगे तो आपको इंतकाल कर जाने का हक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट है हमारे, है कि नहीं, अगर ये बोलेंगे तो आप बोलिएगा। बस एक शेर पढ़ता हूँ कि मलायक उनके दर पे बारी बारी नाद पढ़ते हैं, मलायक उनपे उनके दर पे बारी बारी नाद पढ़ते हैं, सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नाद पढ़ते हैं, सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नाद पढ़ते हैं, खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाद पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाद पढ़ते हैं। मियां मैं अभी चाहूं तो आपको यहां से उठाकर आसमान तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है, आप वहां से गिरिएगा तो आपका हाल क्या होगा, इसलिए संभालना आपको है, मेरा मूड बनाइए मैं आपका मूड बनाऊंगा, एक बार दिल लगी के साथ पूरा मजमा एक बार और अकीदतों मोहब्बत के साथ पूरी ताकत और तवानाई के साथ हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुजूर जी एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, कि कब बशर वाकिफे असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। शेर अच्छा है, इस्तकबाल कीजिएगा, मकबूल भाई आप स्टेज पर आ जाइए, है कि नहीं। कब बशर वाकिफे असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है, कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो वली बनता है, कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो वली बनता है। उगरा के रहने वाले शौकत साहब के जानिब से अनाउंसर साहब के लिए 500 रुपए का इनाम आया है, मैं और पूरी स्टेज वाले हम आपके शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह शौकत अंसारी साहब, है कि नहीं, नाम ही शौकत है तो काम तो कुछ अंदाज तो निराले होंगे ही, है कि नहीं। माशाल्लाह यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि जब नकीब को लोग इतना इनाम दे रहे हैं तो शायर को कितना देते होंगे,
जिगर भाई तैयार रहिएगा, इस बार तो आप बैग लेकर के आए हैं फकत, अगली बार बोड़ा लेकर के आइए। आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग खाना नहीं खाए हैं वो लोग जा करके खाना खा लें। यहाँ नकीब साहब को मिल रहा है लेकिन खतीब को नहीं मिलता है। नहीं, खुतबा को भी मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। ये अच्छे, इतने अच्छे अच्छे सामीन हैं, यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है कि नहीं। मिर्जापुर में एक बस एक हौसला बढ़ाए रखिए, हौसला बुलंद रखिए जी। सुनिए, आप हजरत तैयार हैं जी? तैयार है ना? मत बोला हाजी बबो, अब तुम और हाजी बबो, मैं आपको बढ़ाऊ, आप मुझे बढ़ाइए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ आप कदम बढ़ाइए। सारे लोग बैठ जाइए, अदब इहतराम के साथ बैठ जाइए। और जो बाबू आगे आगे थोड़ा सा आप लोग खिसक जाइए और आगे आगे सट जाइए, बस इकराम भाई का कैमरा बचाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे इकराम भाई है, गढ़वा से आए हैं साउंड लेकर के, इकराम साउंड है कि नहीं? अक्सर लोग साउंड वाले लेते हैं लेकिन पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि साउंड वाले अनाउंसर को इनाम दे रहा है। अब इतना जमा समझ लीजिए कि अगर कोई साउंड वाला अनाउंसर को इनाम दे तो जान लीजिए कि कयामत बहुत नजदीक है। ये कम नहीं करते, समझ रहे? अगर कहिएगा जलसा है तो लेकिन इकराम भाई का कसम खुदा की मैं अक्सर जलसे में इनको बुलवाते रहता हूँ, बहुत इखलाकमंद इंसान है माशाल्लाह, जितना दे देता हूँ ले लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप लोग थोड़ा बढ़ा के दे दीजिएगा ताकि ये माइक बहुत अच्छा बजाए। एक बार पूरा मजमा सारे लोग हुसैनी तेवर के नाम पर और सरकारे अमझरी के नाम पर, एक हाथ गौसे आजम के नाम पर और दूसरा हाथ सैयदी सरकार अमझरी के नाम पर उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, आवाज नहीं है, जरा लहक के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। अब देखिए ये बोलेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अभी माइक पर शाहकार तरंदुम जनाब कारी जिगर पलामू साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, है कि नहीं? आप उनको सुनिएगा, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बताइए। हाय 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 माशाल्लाह, देखिए मोहब्बत करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? और मौलाना शाह आलम साहब किबला बहुत अच्छे इंसान और इखलाकमंद इंसान। अभी तक तो जवान लोग दे रहे थे अनाउंसर को, ये डॉक्टर साहब के वालिद साहब के तरफ से आया है इनाम आपके लिए जी। यहाँ तो इनाम पे इनाम दिया जा रहा है माशाल्लाह, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे मिल रहा है कि नहीं? और ऐसे भी शहर मिर्जापुर में एक नई बस्ती है तो वहाँ पे कल्लू नाम का लड़का रहता था, कभी नमाज पढ़ने नहीं आता था। तो इमाम साहब कहते बेटा कल्लू नमाज पढ़ने आया करो, का इमाम साहब आप नमाज पढ़िए ना, हमारे चक्कर में काहे परेशान है जी, आप पढ़िए, नहीं पढ़ोगे का नहीं आएंगे, आप पढ़िए। तो इमाम साहब ने कहा, कुछ नौजवान लड़कों को इकट्ठा किया और कहा कि जाओ कल्लू को कह दो कि अगर आज से नमाज पढ़ने नहीं आएगा तो हमेशा के लिए नई बस्ती से उसको निकाल दिया जाएगा। अब नौजवान मोटे मोटे हट्टे कट्टे लड़के कल्लू के पास गए, कहा बेटा कल्लू सुन लो, इमाम साहब ने हम लोगों को भेजा है कि कल से तू नमाज पढ़ने आएगा, अगर नहीं जाओगे तो हमेशा के लिए तुमको नई बस्ती से निकाल दिया जाएगा। कल्लू सोचा, गरीब आदमी था यार, मैं यही पला बढ़ा, यही पे जवान हुआ, नई बस्ती को छोड़कर नहीं जा सकता, चलो इससे अच्छा है, छोड़ने से अच्छा है कि नमाज ही पढ़ लेते हैं। पहली मर्तबे 50 बल्टी से नहाया और अच्छा कपड़ा तन पर पहना और फजर की नमाज में पहुंचा। और पहुंचने के बाद इमाम साहब, हम तो आ गए नमाज पढ़ने लेकिन हमको कुछ आता वाता है नहीं, नियत बताइए कैसे किया जाता है। इमाम साहब भी अब सोचे यार कल्लू कभी नमाज पढ़ा नहीं, पहली मर्तबा आया, इतनी जल्दी इसको नियत सिखाएं कैसे? इमाम साहब ने कहा बेटा कल्लू तुमको जैसे आता है वैसे ही कर लो। तो कल्लू के दिल में आया कि यार जैसे करना है वैसे ही, तो फिर कल्लू का नियत सुनिए। कल्लू हाथ बांध कर नियत बांध कर नियत बांधता है नमाज के लिए, नियत करता हूँ जबरदस्ती से, ना करूँ तो निकाला जाऊँ बस्ती से, मुंह मेरा पता नहीं किधर, अल्लाह अकबर। ये नियत बांध करके खड़ा हो गया इमाम साहब, सुन्नत पढ़ रहे थे बगल में। तो कल्लू ने सोचा मैंने नियत तो कर लिया है, इसके आगे क्या करना है? तो एक मरतबा कल्लू ने ऐसे किया इमाम साहब को, इमाम साहब नियत तोड़ के तो कुछ बताते नहीं। तो दो तीन मरतबा कल्लू ने जब ऐसे किया तो एक मरतबा इमाम साहब ने भी ऐसे कर दिया। तो कल्लू ने सोचा कि यार लगता है कि अब यही करना है।
उसने सोचा कि हम तो पहली मरतबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत शायर अहले सुन्नत जनाबे शमशाद हैदर कलामी नारे तकबीर नारे रिसालत। अभी मेरे मुंह से निकलने जा रहा था सांसद कलामी, समझ रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सीधा नाम आ गया। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा लहजा, क्लासिकल का बेताज बादशाह, समझ रहे, शमशाद हैदर पलामू साहब तुला माइक स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। अन करीब ही इनसे भी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन पहले ब्रांडेड शायर से मैं आपको शायरी सुनवाता हूँ, आप सुनिएगा। तो जितने लोग सुनेंगे हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, ऐसे में नहीं, जरा दिल से हाथ को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, जो लोग खड़े हैं उनके नाम पे कहिए या रसूल अल्लाह। शर्म के मारे मर जाना चाहिए था इन लोगों, अब तक तो वहां से उतर के यहाँ जाना चाहिए था, है कि नहीं। जरा पूरा मजमा कुर्सी वाले भी और बीच वाले भी स्टेज वाले भी एक बार सारे लोग लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। कोई बतलाएगा कैसे कि क्या क्या बोल सकता है, अलीगढ़ मार दे ठोकर तो मुर्दा बोल सकता है। कोई बतलाएगा कैसे कि क्या क्या बोल सकता है, अलीगढ़ मार दे ठोकर तो मुर्दा बोल सकता है, अलीगढ़ मार दे ठोकर तो मुर्दा बोल सकता है। और अभी हो जाएगा साबित कि पानी किसका हिस्सा है, अगर अब्बास दे दे हुक्म दरिया बोल सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि पानी किसका हिस्सा है, अभी हो जाएगा साबित कि पानी किसका हिस्सा है, अगर अब्बास दे दे हुक्म दरिया बोल सकता है। तो दरे अब्बास से खाली कोई पलटा नहीं अब तक, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। आइए मेहमान शायर, ब्रांडेड शायर, उस्ताद शोरा, शहकारे तरन्नुम, इज्जत माप जनाब, अंदली पे गुलशन रिसालत, कारी जिगर पलामू साहब कबला से मैं गुजारिश करूंगा तो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामे इनके दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। पूरा मजमा जोरदार नारे से इस्तकबाल करे, हर एक फर्द अपने हाथ को उठाए और मेहमान शायर का इस्तकबाल करे। नारे आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ, आप कलेजी पेश कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से बोलना आसान काम है मियाँ, बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल कि एक शख्स को फांसी की सजा हुई तो जज ने पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, हाँ हाँ मेरी जगह पे आप आ जाइए। तो ये मियाँ बहुत मुश्किल काम होता है। पूरा मजमा जोरदार नारे से कारी राहत का इस्तकबाल, कारी हसीबुल्ला जिगर का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत कादरी दूल्हा, नारे तकबीर।